किया सर्जिकल में, खामखा भी MBBS वाले स्टूडेंट की तरह स्टडी कर रहे हैं, चक्कर चक्कर आ रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कैमरा वो कर सकते हैं। अच्छा मैंने सोचा आप मेरी बात करें। मेरा कुछ खोल के मिलना है सीधा। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। माँ से ही यहाँ ब्लड लग रहा है और मेरी अपील है आप लोगों से, बाहर निकले, ब्लड डोनेट करें, हम भी किसी के बच्चे हैं, हमें भी ब्लड लगता है, हम आपकी ब्लड के ऊपर ही हैं, हम आप हमें ब्लड देंगे तो हम जिंदा है। इनकोमर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरह आपको भी चाहिए कि अपना ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ये अपने जिस्म का एक सत का इजारिया है जिसका अजर आपको कयामत तक मिलता रहेगा। आपने भी दे दिया? वाह मार भाई वाह, कुर्बानी है यार, खुद की जो है ना सत्ता दे दिया। कोमल यूनिवर्सिटी में ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर हमने ब्लड डोनेशन किया। तो सर्जिकल में हो आपको पता चलता है कि कितना? मुझे पता है कि एग्जैक्ट मतलब नॉर्मल जो होता है ना उसमें से मेरा 1 लीटर खून कम है ना, तो चाहिए इसका फार्मूला क्या है? 1 पाउंड मुझे दे देना। ये इसका अलग एक किस्म टेस्ट किया जाता है, सीबीटी टेस्ट में इनका पता चलता है कि यार मेल का इतना होता है, फीमेल का इतना होता है नॉर्मल। बिल्कुल। तो फिर उसमें पता चलता है ना, मेरा टेस्ट पड़ा हुआ है, अगर आप देखते हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। स्टूडेंट आजकल तकड़े हो गए माशाल्लाह। बस यार आज आपके कैसे एक्सपीरियंस थे ब्लड देकर? ब्लड आपने दिया है कि नहीं दिया? मैं नहीं दिया, मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही माशाल्लाह बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर टाइप है। थैंक यू थैंक यू। उसने दिया है और लग रहा है कि चक्कर चक्कर आ रहे हैं, जूस पी रहे हैं, अगर कैमरा वो कर सकते हैं। अच्छा मैंने सोचा आप मेरी बात करें। अच्छा दे दिया, पहले मैंने दिया, मेरे वो फर्स्ट ब्लड। हर कोई यही कह रहा है। नहीं मैंने सच में दिया, इस वजह से मैं नहीं दे रहा, नहीं तो मैं देता, फिर मसला ठीक है इंशाल्लाह। इतनी ताकत के अंदर कैसे करते हो? लेकिन रनिंग वगैरह जाके एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं तो इससे फिर दमा हो जाता है। अच्छा कच्चा अंडा कैसे? दमा क्या होता है? गैस दमा हो खाओगे? अंडा वाइट है, इधर मुंह पे रख कर, इधर मुंह पे रख कर खोल के लेना है सीधा। आज क्लास हुई है जो के सारी, आज आखिरी हमारा लेक्चर था, इसके बाद हम पेपर वगैरह लेंगे, पेपर के लिए आएंगे, पेपर के लिए आएंगे, बाकी सारी चीज़ों को कॉपी करवा रहे हैं, फिर घर में जाकर चलेंगे तैयार। आपने कुछ किया है? हम आखिरी दिनों में पढ़ेंगे, हम आखिरी आखिरी टाइम को जाएंगे। ये है ना आप ब्लॉग बना रहे हो? हाँ। नहीं ये पर्सनल बात है। आप क्यों आते हो जिस दिन हमारे पास क्लास वगैरह नहीं होती है? यार आप क्लास लेते हो, आपको कुछ समझ आती है? हाँ। कितनी आती है? 30% सारी समझ आती है, मैं खुद तैयार भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। हमारा लाइक लगता है, ये सख्त लगता है, मुझे सारी समझ आती है। अभी तक स्टडी शुरू नहीं की, स्टडी बाद में शुरू करेंगे। वो जो होते हैं ना लोटे, लोटों का हिसाब है यहाँ पर। कोई बात ना सुन, आपको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और आगे शेयर भी करें और रिकॉर्ड भी करें। एज आई ने इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे कैमरे को। बिल्कुल। वाह भाई वाह, चॉकलेट। आप सिर्फ मेरे मुंह को देखो ठीक है? यार ये चॉकलेट खा रहा है, मैं किसी को भी नहीं दे रहा, देखो ना ये। ये कौन सी चॉकलेट है? चेक कर, ये मुतासरीन वाली फ्री नहीं मरवत वाली, पीनेट बटर है ये। अगर एक बोतल दूं तो मुझे दो लगवानी पड़ेगी। हां ये बात भी है, आपकी कैलकुलेशन ठीक जा रही है, आप फिजिक्स में आज आगे जाओगे। स्मार्ट और शुक्र अल्लाह। उसको फॉलो बैक करें इंस्टाग्राम पे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बाकी आपने आपने भी खुद फॉलो किया है क्या? हां मैंने फॉलो किया। किधर फॉलो किया? सब्सक्राइब क्या पे की? सब्सक्राइब पर। YouTube पर कब करोगे? अच्छा YouTube पे जब आप बोले YouTube पर मुझे सब्सक्राइब कर दो। हां